जहां बीजेपी ने चुनाव समिति की लिस्ट में बदलाव किया है। दरअसल अनिल विज का लिस्ट में नाम जोड़ दिया गया है। पहले जारी की गई सूची में नाम शामिल नहीं था, लेकिन अब अनिल विज का नाम शामिल कर लिया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता दी, जहां अनिल विज का नाम लिस्ट में जोड़ दिया गया है। पहले जारी की गई सूची में नाम शामिल नहीं था, बीजेपी ने चुनाव समिति की लिस्ट में बदलाव किया है। चुनाव समिति की लिस्ट में अनिल विज का नाम भी जोड़ा गया है। पहले जारी की गई सूची में नाम शामिल नहीं था, लेकिन अब इसमें बदलाव करके अनिल विज का नाम जोड़ा गया है। ज्यादा जानकारी के लिए सुरेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। सुरेंद्र, बीजेपी ने चुनाव समिति की लिस्ट जारी की जिसमें अब अनिल विज का नाम जोड़ लिया गया है, हालांकि पहले जारी की गई सूची में नाम शामिल नहीं था। सुरेंद्र, आवाज मिल पा रही है आपको हमारी? सुरेंद्र, आवाज मिल पा रही है आपको हमारी? बिल्कुल सुरेंद्र, इस दौरान बीजेपी की तरफ से चुनाव समिति की लिस्ट जारी की गई जिसमें अनिल विज का नाम जोड़ा गया, हालांकि पहले जो लिस्ट जारी की गई थी उसमें अनिल विज का नाम शामिल नहीं किया गया था। जी देखिए, जो रोहतक बीजेपी का प्रदेश कार्यालय है और लगातार बीजेपी जो है हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर जो है एक के बाद एक जो कमेटियां हैं वो गठित कर रही है। पहले दो समिति, चुनाव प्रबंधन समिति और एक चुनाव समिति का गठन किया गया था जिसमें 20 सदस्य और 32 सदस्यीय टीम घोषित किया गया था, लेकिन उसमें अनिल विज का कहीं नाम नहीं था। लेकिन जो तीसरी अभी लिस्ट की सदस्य है उसमें अनिल विज का नाम है। तो अभी जो है सभी जो पदाधिकारी हैं उनको चुनाव में अलग अलग डोटियां लगाई जाएंगी, चुनाव प्रबंधन को लेकर, प्रचार को लेकर, तमाम जो बीजेपी है अपने विधानसभा चुनाव के लिए समर्थक हुई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। हरियाणा में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से शुरू हो चुकी हैं। ऐसे में राजधानी दिल्ली में भी राजनीतिक हलचल बढ़ गई है। जहां एक तरफ बैठकों का दौर जारी है तो वहीं शिष्टाचार मुलाकात से भी हरियाणा विधानसभा चुनाव की नींव तैयार की जा रही है। इस बीच राजधानी दिल्ली में हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री और हरियाणा विधानसभा चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान की दिल्ली स्थित निवास पर मुलाकात की। बता दें कि अनिल विज ने सोशल मीडिया एक्स के माध्यम से मुलाकात की जानकारी दी। दिल्ली में अनिल विज और धर्मेंद्र प्रधान की मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता होने के साथ साथ अनिल विज जनता के बीच बयानों को लेकर भी चर्चा में रहते हैं।